नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हालांकि अनुवाद का काम पूरा नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई। अब 14 मार्च को अगली सुनवाई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को दस्तावेज जमा करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। आपको बता दें कि इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्टी के त्रिपुरा चुनाव अभियान की शुरुआत की। पीएम ने सोनामुरा में रैली को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा ने गलत माणिक पहन लिया है, जब तक आप ये गलत माणिक नहीं उतारोगे तब तक त्रिपुरा का भाग्य नहीं बदलेगा। पीएम मोदी ने सोनामुरा की रैली में कहा कि एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ जनता, और अब जनता मैदान में उतरती है तो वो अच्छे अच्छे सरकारों को भी उखाड़ कर फेंक देती है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को अंधकार युग से बाहर लाकर विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। दिल्ली में पुलिस कर्मियों की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। पुलिस ने एक सड़क पर बैरियर को आपस में जोड़ने के लिए तार बांध रखी थी। जैसे ही बाइक सवार युवक वहां से गुजरा, उसे तार दिखाई नहीं दी और तार उसकी गर्दन में फंस गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर अपने बेटे और मौजूदा पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का मजबूती से समर्थन किया है और यहां तक कि उन्हें अपना बॉस भी बताया है। कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी पर पूरा विश्वास जताते हुए कहा, अब वो मेरे भी बॉस है, इसको लेकर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी की हंसी पर कसे गए तंज पर कांग्रेस आग बबूला है। इसे इतर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें रामायण सीरियल का कुछ हिस्सा दिखाया गया है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल रोकने के लिए राज्य सरकार ने काफी सख्ती बरती। जहां नकल को रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के 2 दिनों में 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। बताया जा रहा है कि नकल रोकने के लिए बरती गई सख्ती की वजह से छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है। प्रेम करने के जुर्म में अपनी जान गंवाने वाले अंकित के नाम पर अब ट्रस्ट बनाया जाएगा। भविष्य में किसी और अंकित के साथ ऐसा ना हो, ट्रस्ट इसके लिए प्रयास करेगा। अंकित के पिता यशपाल सक्सेना बस यही दोहरा रहे हैं कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन भविष्य में किसी के साथ अंकित जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 33 लोगों के खिलाफ बिहार के दानापुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। सभी के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी और जाति सूचक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपशब्द कहने के आरोप में ये FIR दर्ज कराई गई है। बच्चों को बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक जैसे जंक फूड से बचाने के लिए सरकार उनके विज्ञापनों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। कार्टून चैनलों पर जंक फूड कंपनियों के विज्ञापन नहीं चलेंगे। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ऐसी योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले पूर्ण बजट सत्र पहले दिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच भी राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया। राज्यपाल राम नाइक ने कागज के गोलों की बौछार के बीच भाषण पूरा किया, साथ ही विपक्ष के नेताओं को नसीहत भी दी। पाकिस्तान से सख्ती से निपटने के साथ ही अमेरिका ने उत्तर कोरिया को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो उसके साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका का कहना है कि प्योंगयांग की धमकियों से निपटने के लिए उसके पास सारे विकल्प मेज पर मौजूद है। अमेरिकी सदन में वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसद नैन्सी पेलोसी ने बुधवार को 108 साल पुराना इतिहास तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक भाषण दिया। उन्होंने लगातार 8 घंटे तक भाषण दिया। अपने भाषण में वो दस्तावेज विहीन युवा प्रवासियों को निर्वासन से बचाने के लिए बोल रही थी। अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म पैडमैन एक दिन बाद यानी शुक्रवार को रिलीज हो रही है। ऐसे में पद्मावत की रिलीज होने की वजह से अक्षय कुमार की फिल्म के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार ने मध्य प्रदेश में पद्मावत की रिलीज डेट को लेकर आपत्ति जताई है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।